हाँ जी दोस्तों, आज के लिए आपको नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ मिस्टर हीरो बार्बर, अपना संगरूर डिस्ट्रिक्ट संगरूर उधम सिंह वाला सुनाम से। सो आज के लिए आपके लिए वीडियो है जिसके आज मतलब आज का जो मौसम है, अब का मौसम है, मौसम के कारण आपके सिर में डैंड्रफ हो जाती है। या तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कारण होता है कि रेगुलर डैंड्रफ होती है, और उससे बड़ा कारण क्या होता है कि ज़्यादा जो टेस्ट आता है ना गर्म पानी से, उसके हिसाब से मतलब स्कैल्प जल जाती है, मतलब डैमेज हो जाती है, उसके कारण मतलब सिर में डैंड्रफ हो जाती है। दिखाइए, ये देखिए क्लाइंट के सिर में, ये हमने वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि आपको पता चले, ये देखिए कितनी डैंड्रफ है। और डैंड्रफ का कारण इनको दूर कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हम आपको एक मेथड बता रहे हैं जिसके लिए आपको इससे राहत मिल सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके लिए आपके पास होना चाहिए आयुर का जे, मतलब इसको आप जानते हैं अस्टियंट इसको कहते हैं, इसको टोनर कहते हैं हमारी सैलून की भाषा में। और उसके बाद आपके पास होना चाहिए ये नारियल का ऑयल, नारियल का ऑयल होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास ये कॉटन होने चाहिए। तीन चीजों का प्रोसेस है, इसको प्रॉपर देखना, और शैम्पू कब करना है इसका भी ध्यान जरूर देना। और सबसे पहले हम करेंगे इससे इनकी जो स्कैल्प है उनको अच्छी तरह से साफ करेंगे वॉश करने से पहले। जब वॉश करने से पहले साफ करेंगे तो नजदीक लेके ये तो इसको अच्छी तरह से हम ऐसे बिल्कुल क्लीन करेंगे। आप किसी की मदद से इसको आप क्लीन करेंगे, क्योंकि जो भी जितनी भी डैंड्रफ आपके सिर में इसको साफ करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए अब इनकी डैंड्रफ है, मतलब इसको हम साफ करते जाएंगे। सर कितनी देर से आपके डैंड्रफ सिर में? काफ़ी टाइम से। ओके, ये देखिए ये डैंड्रफ है ना, मतलब इसको हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, क्योंकि स्कैल्प को अच्छी तरह से साफ करने के बाद अब हम इनको अच्छी तरह से शैम्पू करेंगे। तो जब हम इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, अच्छी तरह रगड़ कर करना, क्योंकि आपकी जो स्किन पर जो डेड स्किन होती है उसको उतारना है जितनी भी जल्दी हो सके, उसको उतारिए। और सर्दी में एक चीज़ का ख्याल रखना है, किस चीज़ का हम इसको शैम्पू करेंगे, शैम्पू करने के बाद आपको बताएंगे किस किस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है जी, ओके। लेकिन जब भी आप सुबह नहाते हैं तो पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसके बाद का जरूर ध्यान रखना। बॉडी पर तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हेयर है आपकी जो स्किन होती है ना काफी ज्यादा नेचुरल होती है, मतलब कहने का भी इनको जितना आप स्टीम देंगे ये खराब होगी। सारे फेस पर जितना आपकी फेस की स्किन है उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ तक पूरे हेयर लेकर और पूरा फेस को लेकर कभी भी आप गर्म पानी से मत रहिए। ये देखिए हमने शैम्पू ले लिया है और अब हम इनके सर पर यूज करेंगे। एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जब आप शैम्पू करेंगे तो पानी गुनगुना होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो अब इनका शैम्पू होने जा रहा है, इसको क्लीन करेंगे अच्छी तरह से। ओके, काट दे। जहाँ डैंड्रफ है वहां पर अप्लाई कीजिए ऐसे। जब आप अप्लाई करेंगे ये मर्ज होता जाएगा, मतलब ये पिघलता जाएगा, क्योंकि आपके जो स्कैल्प है वहां पर ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात का ध्यान रखना है कि आपको लगता है कि जितना भी चाहें आप उतना यूज कर सकते हैं, चाहने का मतलब अगर आप हेयर स्टाइल बनाते हैं तो उस चीज का ध्यान रखिए अभी उतनी क्वांटिटी में लें ताकि आपके बालों पर प्रॉपर ना जाए, क्योंकि जब आप हेयर स्टाइल बनाएंगे तो आपके हेयर स्टाइल से क्या होगा कि आपके बाल थोड़े वेट लगेंगे। वेट लगने का कारण ये होता है कि आप ज्यादा क्वांटिटी में लगा लेते हैं, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। जब आपके सर पर बिल्कुल स्कैल्प पर लग जाए तो उसके बाद आप इस तरफ पानी निकालेंगे ऐसे, आप अपने सिर पर आपको पानी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी अगर आपका कोई भी हेयर बच गया है ऑयल लगने से
ताकि आपके हेयर पर वो अपना ऑयल भी जा सके। तो इसके लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप नए हैं तो फिर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए आप वेट जरूर करना, क्योंकि अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए इसको 1 वीक करना इस सर्दी में, और गर्म पानी का यूज मत करना, जितना भी करेंगे कम करना, मतलब क्वांटिटी इसकी इतनी होनी चाहिए कि आपका हेयर अच्छी तरह से साफ हो सके, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, मिलते हैं, सत श्री अकाल।